पूरा देश इस समय राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में भी अगर बात करें तो जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों को सजाने का काम यहाँ पर हो चुका है। आज हर मंदिर में सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर होगा, भंडारा यहाँ पर होगा। कल देर रात तक सुबह यात्राएं यहाँ पर निकलती रही, क्योंकि 500 सालों से ज्यादा का जो लंबा इंतजार लोगों ने किया है रामलला के आने का, वो आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आज यहाँ पर होगी। और सीधी सबसे बड़ी बात है कि हर मंदिर में जो इच्छा इस समय नजर आ रहा है तो चरम पर है। लोग सुबह से ही मंदिरों में आने का सिलसिला, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि समाज में चीज़ों में उन सब चीज़ों का वास यहाँ पर हो सके जो मनोकामनाएं उनकी लगातार रही है। और हम भी ऐसे ही सनातन धर्म मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे वहाँ पर जो जायजा है यहाँ पर ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सर आज लंबा इंतजार रहा है, 500 सालों से ज्यादा का लंबा इंतजार। आज प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान राम की हो रही है, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने यहाँ पे की? मंदिरों में हर प्रकार की सजावट की गई है। मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस रामायण का पाठ एवं भक्तों को भंडारे के रूप में प्रसाद दिया जाएगा और भक्त आके राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोगों के एक अलग उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। आज दिवाली का दिन नजर आ रहा है, कितना देख रहे हैं लोग आज? भक्त मंदिरों में खूब प्रसन्न होके मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो पूरी करें कि कम से कम इस संसार में हर वो चीज़ यहाँ पर जाते रहे जो बिना उन्होंने लंबे रहे, यानी खुशहाली समृद्धि और उसकी शांति मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो सके। और आज पूरे दिन भर यही उत्साह भक्तों के मन में भी रहेगा, मंदिरों में दिवालों में यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैमरा मैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून।